सोनीपत के गोहाना से बड़ी घटना सामने आई है। यहां के खानपुर कलां गांव में देर रात खेत से घर जा रहे एक युवक की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है। कैसे क्या हो गया तू? अलग अलग 10 बजे अनिल पुत्रन गिर अपने दो साथियों के साथ है। इनका कलाने की तरफ खेत है, वो वहाँ से ट्यूबवेल चला रहे थे, वहाँ से घर वापिस आ रहे थे। तो ये लगभग ये अपने यहाँ सांसी चौपड़ बोलते हैं, वहाँ पहुँचे तो जो प्रदीप मोटरसाइकिल चला रहा था उसके पीछे गौतम बैठा था और अनिल सबसे पीछे बैठा था। उसने मोटरसाइकिल वहाँ पर रोक ली। पीछे से एक मोटरसाइकिल में कोई अपना चेहरा ढक के आया और वो मोटरसाइकिल रोकते ही 3 गोली मार के वापस भाग गया। मौके पर मौत हो गई थी? हाँ, अनिल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की छानबीन में जुटी पुलिस का कहना है कि हमलावरों की पहचान करने की कोशिश जारी है, जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। थाना सदर गोहाना में डायल 112 से सूचना प्राप्त हुई कि गांव खानपुर में एक व्यक्ति को गोली मार दी। जिस सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो गांव का ही अनिल मृत अवस्था में गाँव की चौपाल के पास मिला, जहाँ पर उसके भाई सुनील ने किसी अज्ञात व्यक्ति जो अपने मुंह पर पीले रंग का कपड़ा लपेटे हुए था उसके द्वारा अपने भाई की गोली मारकर हत्या होने बतलाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, मामले में तफ्तीश जारी। बता दें कि मृतक की शिनाख्त 28 वर्षीय अनिल के रूप में हुई है, जो खेती बाड़ी के साथ साथ डेयरी का काम भी करता था। अनिल की हत्या से एक बार फिर कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।